भीलवाड़ा में चार मंजिला इमारत ढहने के बाद अब प्रशासन के सामने रिहायशी इलाके से मलबा हटाना चुनौती बन गया है। मलबे को हटाने के लिए जयपुर से एक कंपनी के एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं मोहल्ले में लटक रहे तीन मंजिला मलबे को हटाने में 25 लाख खर्च होना बताया जा रहा है। इस पूरे काम को करवाने के लिए कलेक्टर आशीष मोदी ने एक कमेटी का गठन भी किया है। आपको बता दें कि इस मंजिल के निर्माण के लिए UIT से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। एक्सपर्ट टीम ने बताया कि इस मंजिल के नीचे का माला पहले से ही कमजोर था। इसके बाद इस पर तीन मंजिल और खड़ी कर दी गई, जिसके चलते नीचे का हिस्सा वजन सह नहीं पाया और वहां ढह गया। इस मामले में UIT की ओर से तीन भाइयों के खिलाफ प्रताप नगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि जिले के तीन माले मलबे के रूप में लटक रहे हैं, जिससे आसपास के घरों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं इस मलबे को जल्द से जल्द नीचे गिराने के लिए कलेक्टर आशीष मोदी ने 7 एक्सपर्ट की टीम का गठन किया है। टीम इस पूरे काम का फैसला लेगी। वहीं मलबे को हटाने के लिए जयपुर की एक कंपनी के एक्सपर्ट ने भी मौके का सर्वे किया। आपको बता दें, आजाद नगर में इस मंजिल के गिरने के बाद अब नगर परिषद की ओर से शहर में ऐसी खतरे से भरी दूसरी इमारतों का भी सर्वे शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।